हेलो जेवियंस, माई सेल्फ डॉक्टर रेखा कंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा, एट ज्योति विद्यापीठ, वुमन यूनिवर्सिटी। प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ पंचकर्मा, मतलब पंचकर्मा का क्या क्या इंट्रोडक्शन है, उसमें क्या क्या मतलब पहले करवाते हैं, देन प्रदान करने क्या होता है। पंचकर्म में मैंने बताया था कि आपके कितने कर्म आते हैं, उसके साथ साथ षड्रूप कर्म भी बताया था। उसके बाद पंचकर्म कितने कर्मों में कंप्लीट होता है ये भी बताया था, पूर्व कर्म, प्रदान कर्म एंड पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में आपने पढ़ा था कि दीपन, पाचन, स्नेन और स्वेदन, और प्रदान कर्म में पंचकर्म। देन आज अपन पढ़ेंगे कि पश्चात कर्म, जिसको अपन परिहार काल भी बोलते हैं। तो पश्चात कर्म में अपन को क्या क्या करना है, तो पश्चात कर्म में देखो पहले आता है आहार, जिसको अपन संसर्जन कर्म बोलते हैं। देन आता है विहार एंड संतर्पण, और वमन एंड नस्य में आएगा फोर्थ पॉइंट धूमपान, यानी किस में आएगा, नस्य में और वमन में। तो देखो पश्चात या परिहार काल में फर्स्ट आता है प्रकृतिस्थ पुरुष के लक्षण, मतलब पंचकर्म के पश्चात जो पेशेंट है, रोगी है, उसके क्या क्या सिम्टम आएंगे, मतलब पंचकर्म मतलब शोधन कराने के बाद उस पेशेंट में क्या क्या सिम्टम आएंगे। तो कुछ चार पॉइंट में लिख रखा है कि सर्व क्षमो ही संसर्गो रति युक्तो स्थिर इंद्रिय बलवान सत्व संपन्नो सर्वसहो विज्ञ प्रकृति गत। ये चरक ने सिद्धि स्थान फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है। क्या सर्वक्षम मतलब सभी प्रकार के आहार विहार में सक्षम हो, सभी रसों को सहन करने में सक्षम हो, मतलब जिससे अपन ने पंचकर्म करवाया, संशोधन कराया, चाहे वमन कराओ, विरेचन कराओ, नस्य कराओ, पस्ती कराओ। उसके बाद जो पेशेंट है आगे वो क्या करेगा कि आहार विहार को सहन करने की उसमें क्षमता आ जाएगी, सर्वक्षम होगी। फिर बता रखा है कि ऐसा है संसर्ग, है संसर्ग मतलब जो मन मूत्र है आदि इनका वेग प्राकृतिक रूप से ढंग से विसर्जन होने लग जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर उसके को मतलब स्टूल पास होने लग जाएगा, प्रॉपर यूरिनेशन होने लग जाएगा, मतलब उसको कोई कॉन्स्टिपेशन या यूरिन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। थर्ड बता रखा है कि रतियुक्त, रतियुक्त मतलब ये अपने आप प्रेम पूर्वक मतलब रुचिपूर्वक, जिसमें काम करने में उसकी रुचि बढ़ जाएगी, रुचिपूर्वक प्रॉपर सारे फंक्शन वर्क वगैरह अपनी दैनिक नित्य क्रम को प्रॉपर करने लग जाएगा। ये क्या है, रतियुक्त। फोर्थ पॉइंट है सर्वसहो, सर्वसहो मतलब सभी प्रकार की चेष्टाएं, सर्व मतलब सभी प्रकार की चेष्टाएं, सहो मतलब सहन करने की क्षमता आ जाएगी, मतलब अगर उसको कोई किसी भी आपातकालीन की स्थितियां बन जाए तो भी उसको सहन करने की क्षमता आ जाएगी। फिर बता रखा है ये आ गया उसके पेशेंट की मतलब शोधन करने के पश्चात पेशेंट में क्या क्या सिम्टम आएंगे, जो पहले चार पहले देखो क्या क्या पॉइंट है, सर्व क्षमो है संसर्गो रक्ति युक्तो स्थिर इंद्रिय, ठीक। देन अपन पढ़ेंगे कि विहार कि पंचकर्म के बाद अपन को किस तरीके का विहार का पालन करना है, वो अपन को आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान 12 में बता रखा है, जिसको बोलते हैं अष्ट महादोषकर भाव। अष्ट मीन्स आठ, महा मतलब प्रॉपर मतलब जो सुपीरियर हो, महादोष मतलब जो दोष उत्पन्न करने वाले भाव। तो अष्ट महादोषकर भाव है वो है उच्चीर भाष्य रथ छोड़ अति चक्रमण आसने अजीन अहित भोजे दिवा स्वप्नम सह मिथु, मतलब उच्चीर भाषा मतलब अपन को ऊंची भाषा में बात नहीं करनी है। रथ छोड़, पहले वाले क्या करते थे, घोड़े वगैरह इनकी सवारियां करते थे रथ की, लेकिन आजकल से अगर अपन कंपेयर करें तो मतलब उसको ट्रेवलिंग वगैरह नहीं करनी, ज़्यादा ट्रेवलिंग वगैरह नहीं करनी, तो उच्चीर भाषा रथ छोड़। फिर आ गया अति चक्रमण, अति चक्र अति मतलब होता है एक्स्ट्रा, चक्रमण आता है चलने के लिए, तो अपन को पंचकर्म के पश्चात एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अपन को चलना नहीं है, ठीक। देन आता है अति चक्रमण अति आसने, आसने का मतलब होता है बैठना, मतलब अति मतलब अपन को लगातार एक जगह बैठे भी नहीं। फिर बता रखा अजीर्ण अहित भोजन, अजीर्ण मतलब है कि बिना पच्चे को भोजन नहीं करना, जीर्ण नहीं हुआ जैसे अपन ने पहले खाना खाया और वो जीर्ण नहीं उससे पहले अपन ने खाना खाया, ये भी नहीं करना था। अजीर्ण अहित, अहित मतलब जो अपने बॉडी के लिए हित करना हो, अहित कर आहार भी अपन को सेवन नहीं करना है,
तो अजीन अहित कर दिवा स्वप्नम सह मिथुनम। दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में सोना, इसका मतलब अपन को दिन में भी नहीं सोना। फिर बता रखा है सह मिथुनम, मतलब अपन को मिथुन भी नहीं करना। ये क्या है, आठ है महातुष्कर भाव है जिनका अपन को प्रॉपर तरीके से पालन करना है। ये श्लोक अपन को सारे पंचक्रम में लागू होता है, चाहे वमन करो, विरेचन करो, नशे करो, बस्ती करो, रक्तमोक्ष करो, ये सभी पंचक्रम के विहार में लागू होगा। देन अपन पढ़ेंगे कि संशोधित व्यक्ति जिस पेशेंट का या फिर कोई स्वस्थ पुरुष भी है उसका भी अगर अपन ने संशोधन करा तो उसकी रक्षा की उपमा, मतलब उसको अपन की किस तरीके से रक्षा करनी है उसकी भी एक उपमा दे रखी है चरकनी सिद्धि स्थान 12 में। तो वो है तीन पॉइंट में बता रखा है उन्होंने कि शून्य देहम, शून्य मतलब पूरा सुप्त हो रखा, देहम मतलब अपनी बॉडी, मतलब संशोधन के बाद जो शून्य देह बॉडी है उसका बता रखा है प्रतिकारम सही सुनो परिपालयत, कि बता रखा है शून्य देह का अपन को किस प्रकार से परिपालन करना है। तो वो तीन तरीके से बता रखा है कि यथा अंडम तरुणम पूर्णम तेल पात्रम तथेव च, मतलब जिस प्रकार तरुण अंडे की अपने रक्षा करते हैं उसी प्रकार संशोधित व्यक्ति की अपन को रक्षा करनी चाहिए। फिर बता रहे तेल पात्रम यथेव च, कि जिस प्रकार पूर्णम तेल पात्र, जिस प्रकार पात्र में पूर्ण रूप से तेल भरा हुआ उसको अपन प्रॉपर तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान किस तरीके से लेके जाते हैं उसी तरीके से अपन को संशोधित व्यक्ति की भी रक्षा करनी है। उसको भी अपन जिस चैम्बर में जिस रूम में अपन ने संशोधन करवाया है उसको अगर रेस्टिंग रूम तक लेके जाना है तो अपन को उसी तरह उसको पकड़ के प्रॉपर तरीके से लेके जाना है। देन थर्ड बता रखा है गोपाल युद्ध दंडिका सर्वस्माद उपचार, गोपाल युद्ध दंडिका से बता रखा है कि जिस प्रकार कृष्ण काना या फिर गोपाला अपने गवों को चराने के लिए या अपने सीधे रास्ते में ले जाने के लिए जिस प्रकार वो डंडे का प्रयोग करता है कि वो अदर कहीं रास्ते से बाहर ना जाए, उसी प्रकार वैद्य को भी पेशेंट अगर उसकी पश्चात क्रम का पालन ना करे तो वो कठोर शब्दों का यूज कर सकता है। ठीक है, ये है संशोधित व्यक्ति की रक्षा की उपमा। ठीक है, फिर बता रहा था कि सामान्य सिद्धांत क्या लागू होता है पंचक्रम में, कि वे मतलब जैसे पंचक्रम करवाते हैं तो अपन ने क्या बोल रखा था कि निकटतम मार्ग से दोस्तों को बाहर निकालना, अपने बड़ा था ना निकटतम मार्ग से दोस्तों को बाहर निकालना क्या शोधन पंचक्रम है, लेकिन इसमें कई सिद्धांत भी है। ये दोस्तों पूरी बॉडी में भी तो हो जा सकते हैं, तो उसके लिए एक सिद्धांत लागू हुआ है कि अगर दोस्तों का कोष से शाखाओं में जानने का पहले तो कारण क्या है, ये अपन ने पढ़ रखा कि दोष यहाँ आया कि भाई कफ कफ उर स्थान में रहता है, वार कपवासे में रहता है, पित्त अमाशय में रहता है, तो उनका स्थान है दोषों का, तो अपन बोलते हैं कि वहीं प्रकोपित होता है तो वहाँ से अपन निकटतम मार्ग में शोधन करते हैं। नहीं, दोष शाखाओं में भी जा सकते हैं, तो पहले अपन पढ़ेंगे कि दोष है जो कोष से शाखाओं में जाते हैं उनके कारण क्या है, कोज क्या है। उनका श्लोक बता रहे हैं आचार्य चरकनी सूत्र स्थान 28 चैप्टर में, क्या व्यामाद उष्ण तीक्ष्णयात हितस्य अनवचनात् कोष्ठ शाखा मलयन्ति द्रुतवात् मारुतस्य, मतलब इन्होंने बता रखा है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से व्यायामात, मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी क्या हो जाएगा, दोष कोष से शाखाओं में जा सकता है। व्यायामात उष्ण तीक्ष्णयात् मतलब उष्ण गर्म चीजों का प्रयोग करने से भी दोष क्या हो सकते हैं, कोष से शाखाओं में जा सकते हैं। फिर बता रखा तीक्ष्णयात् मतलब जो तीक्ष्ण दर्यों का थर्ड बताया, तीक्ष्ण दर्यों का प्रयोग करने से भी दोष है कोष से शाखाओं में जा। देन फोर्थ है कि हित से अवचरणात् मतलब अनहित से अवचरणात्, मतलब अगर अपन ने हितकर आहार विहार का प्रयोग नहीं करा तो भी दोष क्या हो जाएंगे, शाखा से कोष्ठ में चले जाएंगे। फिर बता रहे कोष्ठा शाखा मलयंती मतलब दोष कोष से शाखाओं में चले जाएंगे। द्रुतवात मारुत से मतलब मारुत की गति बहुत ज्यादा तेज होने से भी क्या हो जाएगा, मतलब यान वायु की गति बहुत ज्यादा तेज होने से दोष शाखाओं से कोष्ठ में जा सकते हैं, ये होंगे उनके कारण। फिर अपन पढ़ेंगे कि जो दोष है उनको अगर पंचक्रम अगर अपन को करवाना है तो दोषों को क्या लाना, उनके अपने स्थान में लाना, कोष्ठ में लाना है,
कि 200 को शाखाओं से कोष्ठ में लाने की विधि है, जिसमें अपने 4 पॉइंट पढ़ेंगे, 5 पॉइंट, कि किस तरीके से अपन 200 को शाखाओं से कोष्ठ में ला सकते हैं। इसके लिए भी आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में बता रखा है कि वृद्ध्या विसेंदनात् पाकात् श्लोको मुख विशोधनात् शाखा मुक्त्वा मलयन्ति कोष्ठायान्ति वायोच निग्रहात्। मतलब वृद्ध्या, दोषों को बढ़ाकर, कि अगर शाखाओं में दोष वात है तो वात को बढ़ाकर, पित्त है तो पित्त को, या फिर कब जो भी दोष है, दोष जैसे संसर्ग जैसा नहीं पाता है, उन दोषों को बढ़ाकर भी अपन दोषों को शाखाओं से पोस्ट में लाएंगे। फिर बढ़ाया जाता है विसंधन, विसंधन कर मतलब विलयन वगैरह उनको पिघला के भी दोषों को शाखाओं से पोस्ट में ला सकते हैं। तो वृद्ध्या विसंधन पाका, या फिर दोषों को पाक करके भी दोषों को कोष्ठ में लाने की गई। फिर बता रखा फोर्थ कि स्रोतों विशोधनात्, जो आचार्य चरक ने स्रोत से बता रहे कि उनके जो मुख है उनका प्रॉपर तरीके से शोधन करके भी अपन दोषों को शाखाओं से पोस्ट में ला सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि जो वायोच निग्रह, मतलब जो व्यान वायु है उसका निग्रह, मतलब उसको नियंत्रित करके भी अपन दोषों को शाखाओं से पोस्ट में ला सकते हैं। तो ये क्या है, दोषों को पहले, अगर दोष पंचकर्म करने से पहले अगर दोष शाखाओं में, तो उनको पोस्ट में लाने के लिए प्रॉपर पोस्ट में लाएंगे, देन उसका अपन शोधन करेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने बता रखा कि जो पंचकर्म है शोधन, उसका महत्व क्यों, क्योंकि अपन समन चिकित्सा भी तो कर सकते हैं, चिकित्सा टू टाइप की बता रहे हैं, शोधन और समन। तो शोधन मतलब पंचकर्म का ही क्यों महत्व है, समन भी। तो इसका चरक सूत्र ने 16 में अच्छे से समझा रखा है कि दोषा कदाचित कूपियंती जिता लंघन पाचने जिता संशोधने तु न तेसाम पुनर्द्भव। मतलब दोषा कदाचित, मतलब दोष कदाचित मतलब कभी कभी, कूपियंती मतलब कूपित हो सकते हैं, किसे जिता लंघन पाचने, मतलब लंघन या फिर पाचन करने से भी दोष कदाचित मतलब कभी कभी कूपित हो सकता है। लेकिन क्या बोला, जिता संशोधने तु न तेसाम पुनर्द्भव, अगर दोषों को अपन ने संशोधन से जीता, संशोधन मतलब पंचकर्म मन विरचन नस्य बस्ती से, तो क्या बोल रहा, जीता संशोधन न तो तेसाम पुनर्भव, तो उससे दोषों का वापस पुनर्भव नहीं होगा। उसके लिए इन्होंने एक उपमा भी दे रखी है चरक सूत्र ने कि दोषाणाम च दुर्माणाम च मूल्य अनुभति सत्य रोगाणाम प्रश्नाणाम च कथानाम आगति धुरी, कि जिस प्रकार वृक्ष को अपन ने नष्ट कर लिया, तो उसकी मूल को अगर अपन ने प्रॉपर तरीके से नष्ट नहीं करा, तो क्या होगा, उसकी कलियां वगैरह फिर वापिस अपनी ऋतुओं के काल के अकॉर्डिंग वापिस खिलने लग जाती है। उसी प्रकार अपने दोषों को अगर उसके मूल से संशोधन से नष्ट नहीं करा, तो वापिस वो दोष से प्रकोपित हो सकते हैं। इसके लिए अपन को वृक्ष को क्या होगा, मूल से नष्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या इसकी उपमा है। फिर इन्होंने बताया है कि जैसे चिकित्सा का अपन ने पढ़ा था कि रोगों की दृष्टि से मतलब चिकित्सा किस प्रकार से कर सकते हैं, तो अपन ने पढ़ लिया कि अंत परिमार्जन जिससे मतलब शोधन करके। फिर था कि बहिर्मन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के रूम में जैसे अपन डिजीज को अभ्यंग करके, स्वेदन करके, परिसेक हो गया, उद्वर्तन हो गया, अवगा हो गया, इनके द्वारा भी अपन ट्रीट कर सकते हैं, या फिर शल्य के द्वारा। अब इन्होंने बता रखा कि पंचकर्म का महत्व तो पहले, उसके बाद बता रखा है कि पंचकर्म के गुण संशोधन, जो अपन ने संशोधन करा है उसके क्या क्या बेनिफिट्स है गुण। तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 16 में उसके गुण बता रखे हैं कि एवं विशुद्ध कोष्ठ से काय अग्नि अभिवर्तते। मतलब क्या बोला, एवं विशुद्ध कोष्ठ से, मतलब विशुद्ध मतलब शुद्ध कोष्ठ, अगर अपने कोष शुद्ध हो गया तो क्या बोला, काय अग्नि अभिवर्धति, काय मतलब होता है फुल बॉडी, अग्नि मतलब शरीर की जो अग्नि है वो क्या हो जाएगी, अभिवर्धति क्या हो जाएगी, शरीर की अग्नि बढ़ जाएगी। देन व्याधित उपसाम्यते, व्याधित उपसाम्यते मतलब व्याधित जो रोग है उसका उपसाम्यते मतलब उस रोग का समन होने लग जाएगा। देन प्रकृतिश्च अनुवर्तते, प्रकृतिश्च अनुवर्तते मतलब जो प्रॉपर स्वस्थ है उसका अनुवर्तन होने लग जाएगा। ठीक है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि वर्णश्च आसे प्रसिद्धति, इंद्रिया मन बुद्धि ये क्या हो जाएगा, वर्णश्च आसे प्रसिद्धति, इंद्रिया अपना प्रॉपर फंक्शन करेगी, मन और बुद्धि और वर्णश्च आसे प्रसिद्धति मतलब जो आसे मुख है उस पर वर्ण मतलब कांति प्रसादन होने लग जाएगा। फिर बता रहा था बलम पुष्टि
पतिम च वृष्ठा च ऐसे जायते बल, मतलब शरीर में बल उत्पन्न हो जाएगा और पुष्टि, मतलब शरीर की प्रॉपर पुष्टि होने लग जाएगी। पतिम च वृष्ठा च ऐसे जायते मतलब उसको संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी आ जाएगी, वृष्ठा च ऐसे जायते। फिफ्थ लाइन इंपॉर्टेंट है, जरा पुष्टि लभते चिरम जीवते न आमी। ये लाइन अपने रसायन के लिए भी आती है और संशोधन के गुण के लिए भी आती है। तो जरा कृष्ण, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, कृष्ण मतलब कठिनाई से, जरा कृष्ण लभते चिरम जीवते न आमी। न आमे मतलब आमे का मतलब होता है रोग, मतलब जरा कृष्ण बुढ़ापा देरी से आता है और चिरम जीवते न आमे मतलब रोग का रोगी है वो भी क्या हो जाएगा, लाभ जो रोगों का उसको प्रॉपर समन होने लग जाएगा, मतलब देरी से रोग उत्पन्न होने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।